डॉक्टर अनिमेश साहू है। मैं रेटिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा, जिसे हिंदी में कांच बिंद भी कहा जाता है, मोतियाबिंद के बाद होने वाली सेकेंड मोस्ट कॉमन बीमारी है, जिसके कारण नजर में कमी होती है। इस बीमारी में हमारी आंख की पर्दे की नस सूखने लगती है या कमजोर होने लगती है, जिसका मुख्य कारण आंख का बढ़ा हुआ दबाव या प्रेशर होता है। इस बीमारी में कभी कभी मरीजों को धीरे धीरे कम दिखाई देना शुरू होना एवं दर्द होने की शिकायत हो सकती है, बट सामान्यतः यह बीमारी बिना किसी लक्षण के होती है, जिसके कारण अचानक से नजर कम होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ग्लोकोमा को डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी है हम नियमित रूप से अपनी आंख का किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा चेकअप करवाते रहें। जैसे ही यह बीमारी का पता चलता है, हम कुछ आई ड्रॉप्स स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण की आंख का दबाव कम होना शुरू हो जाता है। जब यह दबाव कम होना दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब हमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है। मुझे उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप सभी अपनी आंखों का चेकअप नियमित रूप से करवाते रहेंगे।